5 नवंबर 2019 की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ है उसमें ये यूवास ने एमओयू साइन किया है बुअली सीना यूनिवर्सिटी ईरान के साथ रिसर्च कोलेब्रेशन और बाकी जो एकेडमिक कोलेब्रेशन के हवाले से। जीबी स्टूडेंट्स का जो कोटा है पूंछ यूनिवर्सिटी में वो इंक्रीज किया गया है। ये गिलगित बल्तिस्तान के जो ये यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। देन ये मोहम्मद जमान साहब का जो है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर इनसाइट कमेंट्री पब्लिश हुई है डेली टाइम्स में, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के हवाले से स्पेशली उनकी क्वालिफिकेशन अर्न करने के बाद भी क्वालिटी उस तरह की नहीं होती उसके रीजंस पे डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी की संजीदगी है उसको स्पेशली फोकस किया है। ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने खबर पब्लिश की है जो गवर्नमेंट कंसंट्रेटिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन, ये स्पीकर जो केपी असेंबली है उन्होंने बात करते हुए जो सिटी यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन था पेशावर में वहाँ कही के पीटीआई गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन एज वेल एज बाकी जो सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन है उसके भी फोकस कर रही है, उसको भी प्रायोरिटी दे रही है। ये डॉन में खबर पब्लिश हुई है कि जो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं विथ एडिशनल एक सब्जेक्ट पढ़ के ना, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो स्टूडेंट्स शिफ्ट करना चाहें अपना डिसिप्लिन वो एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ के कर सकते हैं।